200 स्पीडो मैच कवर करने वाले जो कि एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जो कि ओवर्स 14 करके मैचेस है, और ये ना वर्ल्ड कप के मैचेस है। लेकिन ना ऐसे मैचेस बहुत कम लोग खेलने वाले, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा ना, अगर आप चाहो तो ऐसे मैचेस में खेल सकते हो, स्किल बढ़ेगी आपकी। मैं नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट के लिए खेलो, प्रॉफिट के लिए और भी अच्छे मैचेस है, लेकिन मज़ा बहुत से आएगा क्योंकि 40 ओवर का मैच रहेगा दोनों साइड से। तो वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। एक टाइम पे दो मैचेस है, मैं दोनों कवर कर सकता हूँ, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पहली बात तो स्टार्ट कहीं नहीं मिल रहा था इस वीडियो का, इस मैच का, लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट से पीछे पढ़ता नहीं। आप भी जानते हो, सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक सिंगल पैसा आपको खर्च नहीं करना है पार्टी में, और आपको फ्री में मिल जाएगा। वो आपको ही बताए कि हर एक मैच हम लोग कवर करते हैं, हर एक मैच। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर अभी के टाइम 37,300 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो आप लेट मत कीजिएगा, आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको और अपडेट भी आपको दे दिया था कि इस मैचेस में कवर करने वालों। देखो तो टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल टीम के लिए, बस रिक्वेस्ट यही है कि फेक मत ज्वाइन करें। देखो फाइनल टीम आपको सबसे पहले मिल जाता है, वो भी विनिंग टीम, आप खुद से देख सकते हो विनिंग टीम आपको देते हैं। 37,000 से ज़्यादा लोग हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक, उस पर क्लिक ज्वाइन कर लेना। सर्च करना तो सर्च भी कर सकते हो, सिंपली टेलीग्राम पे सर्च कर जाना, सर्च करना ऐप 11 टीम, ऐप 11 टीम सर्च करोगे बिना स्पेस देके चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। एंड बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करता हूँ, कोई फालतू का टाइम वेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं। ये मैच 1:45 पर स्टार्ट हो जाएगा, इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा। थोड़े बहुत बादल आपको देखने को मिलेंगे, बारिश चांस वैसे तो नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। और उसके अलावा ये जो विकेट है, देखो वैसे तो बैलेंस विकेट है मैं खुद मानता हूँ, लेकिन जो टीम पहले बैटिंग करती है 222 ऐसे स्कोर कर देती है, एक एवरेज नंबर है। तो कह सकते हो पिच थोड़ा सा बैटिंग को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इतना भी नहीं, मैं न्यूट्रल समझने के लिए प्रेफर करूँगा। आप न्यूट्रल विकेट समझ के टीम क्रिएट कीजिएगा, बैलेंस विकेट। उसके अलावा सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूजीलैंड 40 के प्रोबेबल प्लेइंग 11 अगर देखोगे तो इनकी टीम दस ओपन करेगी, न्यूजीलैंड की टीम दस है जेम्स मर्चल ओपन करेगा टीम दस से। ओडीआई मैचेस की हम बात करें तो अभी तक 10 ODI मैचेस खेल रखे हैं। देखो मैं इतने स्टार्ट कभी नहीं देता हूँ, आज इतना फर्स आपके लिए स्टार्ट निकाले, तो वीडियो को एक लाइक करने में कंजूसी मत करना मेरे भाई, क्योंकि अपना मेहनत का पैसा आप किसी को दे देते हो और आपको लॉस करा देता है, बट हम फ्री में इतने सारे मैचेस कवर करते और विन भी कराते हैं, और आपसे बदले में कुछ नहीं मांगते, बस एक लाइक मांगते हो चाहे सब्सक्राइब उसे कर लेना, ताकि डाउनफॉल खत्म हो जाए। डाउनफॉल चल रहा है चैनल का, बहुत बुरा हाल है, तो वो खत्म हो जाएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो। 10 मैचेस के लिए 250 रन स्कोर किए, एवरेज इनका 25 का है, यानी काफ़ी सही स्कोर कर लेते हैं, हर मैच 20-25 रन मार के जाती है, एक सही ऑप्शन हो सकते हैं। उसके अलावा मैं ज़्यादा स्टार्ट्स नहीं, ODI बता रहा हूँ, बस पूरा करियर स्टार्ट्स में नहीं बताता भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है, प्लेइंग भी लेता और टीम क्रिएट करके दे देता। उसके अलावा ओपन करेंगे टीम दस से लिंगुटोन पर्सन के साथ, ओपन करेंगे टीम दस से लिंगुटोन पर्सन ओपन करेंगे टीम दस से। इन्होंने अभी तक देखोगे 2021 से 22 तक अभी तक इन्होंने 12 मैचेस खेले और जैसे 528 रन स्कोर कर रखे, साथ ही साथ 51 का एवरेज है और 11 विकेट्स नाम का चीज, जो कि बहुत अच्छी बात है। 11 विकेट्स नाम किए 12 मैचेस में, तो एक अच्छी बात है, ओपनिंग भी कर रहा है, प्लस 578 रन स्कोर भी किया, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। निक होरेस रेले के साथ ओपन करेंगे, जो कि सॉरी वार्नर बैटिंग करेंगे निक होरेस रेले। इन्होंने अभी तक 41 मैचेस खेले, जो कि बहुत अच्छी बात है, 751 स्कोर किए, मात्र इनका एवरेज 19 रन का ही है, तो ध्यान रखिए 19 का एवरेज है सिर्फ। उसके अलावा पीटर कोनेल जिसे आप कैप्टन भी कर सकते हो टीम तक से फोन है बैटिंग करेंगे, अभी तक 40 रन स्कोर किए, 13 विकेट्स लिए 13 मैचेस में, नहीं 13 मैचेस खेले, 40 रन स्कोर किए और 13 विकेट्स लिए, मैच एक एक विकेट लेके जा रहे हैं। उसके अलावा देखोगे तो फिफ्थ फोर्थ नंबर तो वो आएंगे, फिफ्थ नंबर टीम दस देखोगे जो आएंगे देखेंगे कुछ जर्मी बेले भी आएंगे टीम तक से, 54 मैचेस के लिए, ध्यान रखिएगा इन्होंने अभी तक और मात्र 18 मैचेस स्कोर, मतलब स्कोर के लिए ठीक है टीम दस, एक विकेट भी तो लेके बंदा गया है, सही है। स्कोर मारा भी अवेलेबल है टीम दस से, बेन रॉब्सन भी अवेलेबल है, अगर आप स्कोर का देखोगे तो 41 रन स्कोर किए, 13 का एवरेज है, ठीक है बंदा, उसमें कोई दिक्कत, 3 मैचेस तो खेला ही है, कौन ज़्यादा सा है। बेन रॉब्सन एक तगड़ा प्लेयर हो सकता है आपके लिए, 3 मैच में 4 विकेट्स लिया है टीम दस से, 36 रन स्कोर किया, 36 का एवरेज है, ध्यान रखिएगा। उसके हर्षदीप और उसके अलावा हरदीप सिंह जो कि विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने आता है इसको, जबरदस्त प्लेयर, मात्र 3 मैचेस खेले और टीम की तरफ से इनका करियर 2023 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ध्यान रखें 2023 से स्टार्ट हुआ था, 3 मैच ही मात्र खेले और 240 रन स्कोर किए टीम से, जो कि बहुत अच्छी बात है। एवरेज अगर आप देखोगे तो 120 का है पर मैच, और साथ ही साथ जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, 120 का तो एवरेज इस बंदे का। उसके अलावा 4 विकेट्स पे अपने नाम कर रखे बंदे ने, हालांकि विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छा करता है बंदा। उसके अलावा एडम भी अवेलेबल है, एडम हेस्टोलियो जो कि टीम से मात्र 2 रन स्कोर किया, 3 मैचों से 6 विकेट्स भी तो लिया एडम ने,
अच्छा ऑप्शन टीम 10 से कवर करके चल सकते हो। पेडेशिल भी, जो कि ये भी जबरदस्त प्लेयर टीम 10 से कवर कर लेना। तो ये 11 प्लेयर्स के जो मैं नाम लिया हूँ ये सबको याद करके रखिएगा, क्योंकि अगर लाइनअप्स ना आए तो ये 11 प्लेयर्स आपको काम देंगे, ध्यान रखिएगा। लेगेटोन प्रेशर जो टीम 10 से अच्छा है वो टीम 10। उसके अलावा जेम्स मार्शल भी अवेलेबल है, ध्यान रखिएगा। जेम्स मार्शल बहुत तगड़ा हिटर टाइप का प्लेयर है, हालांकि उनका स्टार्ट हरदीप सिंह का, तो स्टार्ट देख के मैं खुद चौंक गया भाई, खुद देखो ना हरदीप सिंह का। उसके अलावा बात करते हैं टीम इंडिया का, तो ओपन करेंगे अपने टीम इंडिया की तरफ से इकबाल खान ओपन करेंगे। 18 मैचेस खेल रखे, 447 रन स्कोर कर रखे, 40 का एवरेज है। साथ ही साथ टीम ने से एक अच्छा इनफॉर्म बल्लेबाज भी है, क्योंकि 17 विकेट्स ले रखे हैं, 18 मैचेस खेले 17 विकेट्स लिए और 447 रन स्कोर किए, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा जितेंद्र दीवान जो कि इनके साथ ओपन करेंगे टीम 10 से, वसीम जाफर जैसे आप कैप्टन भी गौर से, तो बहुत अच्छे प्लेयर टीम तरफ से 118 मैचेस के लिए एक्सपीरियंस प्लेयर है। साथ ही साथ 849 रन स्कोर किए टीम 10 से, 849 रन स्कोर भी का 44 का एवरेज है, फिर भी सही टीम 10 से कवर करना रिसेंट स्टैट्स सही गई है। उसके अलावा अभय सरिया भी अवेलेबल है, जिन्होंने टीम 10 से काफी 4 मैचेस खेल रखे, एक ही रन स्कोर किया था अभी तक, लेकिन 7 विकेट्स बंदे ने नाम कराए, 4 मैचेस 7 विकेट। उसके अलावा त्रेंकेत रॉय जो कि टीम 10 से धाकड़ ऑलराउंडर में से एक है, इन्होंने अपने करियर में अभी तक 329 मैचेस खेल रखे पूरे करियर में, और इन्होंने 11,000 मतलब इसके स्टार्ट से खुद सोच रहा हूँ, मतलब बंदा अभी भी मतलब यहाँ पे खेल रहा है, सोचो 11,120 रन स्कोर कर रखा है 329 मैचेस में, 11,120 रन, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। 230 विकेट्स ले रखा है, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। उसके अलावा विराट लवीन भी अवेलेबल है, विजय सिंह भी अवेलेबल है टीम 10 से, मयंक खंडवाल भी अवेलेबल है टीम 10 से, प्रवीण तांबे जो कि हर को जानते हो, अगर आपने मुंबई के मैचेस खेलते हुए तो आपको याद होगा आप इनको पिक करते थे, प्रवीण तांबे को अच्छा है टीम 10 से। उसके अलावा शादाब जत्री भी अवेलेबल है टीम 10 से, फकीर डंगरी अवेलेबल है, तो ठीक ही है। और इनका देखो शादाब का फॉर्म, 82 मैचेस के लिए 93 विकेट्स ले रखा है। तो चलो एंड बात करते हैं बाकी जो स्टैट्स वगैरह था, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके रखे, बट मैं आपका उसका भी ध्यान रखता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड किया हूँ आप हमारे वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, बिल्कुल फ्री में वेबसाइट पर जाके देख लेना, वहाँ पे आपको कोई ऐड नहीं देखने को मिलेगा। वेबसाइट का लिंक आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, मैं देखो इस तरीके से सर्च भी करूँगा ना fantasy11team.in, तो आपको चैनल आपको सब वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, कुछ ये वेबसाइट है देखो है ना fantasy11team.in, ये चीज़ आप सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा तो टेंशन मत लो, स्टार्ट वगैरह और लाइनअप आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं, मैं उधर टेंशन की कोई बात यार। इसके बाद ये वाला मैच भी कवर करेंगे, आपको कल ही इन्फॉर्म मैंने किया था, हालांकि फर्स्ट मैच है, कोशिश करना कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम करें, इससे एकदम ब्लाइंडली इन्वेस्ट करने जो बात करें विकेट की बचेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब करने का जूस ही मत करना ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है टीम तरफ से, आपका कुछ नहीं ज़्यादा, बट उससे जो मोटिवेशन मिलता है ना मैं आपको बता नहीं सकता भाई। आप लोग अपने मेहनत की कमाई किसी को दे देते हो और आपको लॉस करा देता है, लेकिन हम आपसे पता है 5 साल से लगातार वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ सोचो यार 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उससे समझ सकते हो कितना ज़्यादा एफर्ट्स आप लगाता हूँ। हरदीप सिंह के साथ ही जाइए टीम, हरदीप सिंह जो कि टीम से स्टार्ट से देखोगे ना खुद ही पागल हो जाता है, मतलब स्टार्ट इसका खुद से देखो बता, हरदीप सिंह 240 रन स्कोर किया है मात्र 3 मैचेस में, 120 का एवरेज है, तो एक मस्टर पिक होना चाहिए। 14 ओवर बॉलिंग भी कर रखा टीम से, अच्छा ऑप्शन है टीम से कवर कर लो। उसके अलावा वी सिंह ये अपना अवेलेबल है, उसे विजय सिंह अवेलेबल है, अगर पिक करना पड़ा तो देख लेना, बट अभी के स्मॉल टीम में ही प्रेफर करूंगा। उसके अलावा वसीम जाफर बहुत तगड़ा प्लेयर है, मतलब कि एक्सपीरियंस प्लेयर है। जेम्स वर्सल अवेलेबल है, उसके अलावा अपना इकबाल खान ये सब तीनों ही अवेलेबल है, कवर कर लो। एल्परेश के स्टार्ट उतना कुछ खास नहीं बट अवेलेबल है, जे दीवान भी अवेलेबल है, निक होडली अवेलेबल है, ये अवेलेबल नहीं है, जो जो प्लेयर्स का नाम भी मुझे याद है, ए अहमद अवेलेबल नहीं है, एफ डुंगरी अवेलेबल है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा फोर्थ पिक, फोर्थ अगर पिक करना पड़ा तो एल पैटर्सन को पिक कर ले, मैं फिलहाल 3 प्रेफर कर रहा हूँ। उसके अलावा पीटर कोनेल ये स्टार्ट्स इनका जबरदस्त है, अगर पीटर कोनेल के स्टार्ट्स भी देखने जाओगे तो इस बंदे का स्टार्ट्स अच्छा ही है। पीटर कोनेल ऊपर ही तो था, फोर्थ विनर पे था शायद, तेरा पीटर कोनेल फोर्थ ना पे, ठीक है टीम से 13 मैचेस में है 13 विकेट्स लिए, तो ठीक है बंदा कवर करने से कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ एक मस्टर पिक होना चाहिए। उसके अलावा टी रॉय ये भी अवेलेबल है, पी रेपसोन भी अवेलेबल है, आर पटेल मुझे इतना याद तो नहीं आ रहा, प्रकाश पटेल का नाम तो मैंने नहीं देखा लेने से, बट एक बार क्लियर मैं करना चाहूँगा,
नहीं तो बाद में आपकी वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट मैच है यार, टाइनोस के बिना टीम बनती है क्या? तरकनाथ रॉय अवेलेबल है, ठीक है, विजय सिंह मतलब ये पी पटेल, प्रवीण तांबे है, पी पटेल का नाम नहीं है वैसे, मुझे पता था 83% लोग पिक कर रहे हैं तो इसको साइड रखिएगा, हो सकता है पार्टी खेले। उसके अलावा विराट अमीन ये भी अवेलेबल है, एसरियार भी अवेलेबल है, ये दो भी अच्छे प्लेयर्स है, जिससे वी अमीन तो और अच्छा है। वी अमीन का अगर आप स्टार्ट देखोगे तो दिखाता हूँ विराट अमीन का स्टार्ट, देखो ही रहा, दो मैच खेले 77 रन स्कोर कर रखे है, तो अच्छा ऑप्शन टीम वैसे 2022 की बात ही है, पर तीन इनफ मानता हूँ अभी के लिए बॉलिंग से। प्रवीण तांबे ऑब्वियस बात, आप सीबीसी भी कर सकते हो, अगर मुंबई के मैचेस खेलोगे तो आपको याद होगा प्रवीण तांबे, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग कवर तो उसे भी करते ही हो। एफ मिर्जा भी अच्छा है, पी शेलविन भी अच्छा है, नीचे कोई देख लेते कोई अच्छा प्लेयर, एन स्मिथ अवेलेबल नहीं है, निक स्मिथ अवेलेबल है क्या? है तो अच्छा प्लेयर, लेकिन निक स्मिथ अवेलेबल नहीं है, हम पैडी को कवर कर लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पैडी का स्टार्ट आप देख लो अच्छा है, 94 ओवर डाल चुका है, पहली बात तो इतना स्टार्ट देख के पागल सा माइंड हो जाता है यार, पहली बार इतना स्टार्ट देख के टीम क्रिएट कर, नहीं अवेलेबल नहीं है, साइड रखिएगा। एफ मिर्जा अवेलेबल है, एक बस टॉपिक होना चाहिए मेरे साइड से, क्योंकि अवेलेबल है फरहान मिर्जा, डेफिनेटली उनका नाम भी डेवली ने लिया था, फरहान मिर्जा अवेलेबल है, बंदा कवर करने कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा पैडी शेलविन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, टीम से कवर कर लो, टीम से एक मस्ट पिक होना चाहिए, देखोगे तो अपनी टीम में 10 प्लेयर्स पिक कर चुके हैं, 11 प्लेयर नहीं बोला कि फ्री में टीम दे रहा तो आपको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं आपको कभी दिक्कत नहीं, तो देखो तो हो सकता है एक दो प्लेयर्स अगर ना खेले तो अपडेट कर लेना पार्टी में, बट मैं बहुत सेफर टीम क्रिएट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब 11 प्लेयर आप चाहो तो कहीं से पिक कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर आप एल पर्सन को पिक कर सकते हो, वी सिंह भी ठीक है, लेकिन उतना फिर फेस अप करूंगा नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, इधर से निक होल्स लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर मेरी बात करो तो इंडिया की टीम से वसीम जाफर ने पिक लिया, अभय सरिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जितेंद्र दीवान भी हमने पिक नहीं किया, हालांकि 2019-20 में खेले, उसके बाद ये आज खेल रहे, सिर्फ 3 ही मैच खेले अभी तक, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा अपने करियर में, ये सब भी है ना, मतलब बहुत कम मैचेस खेलते हैं, ठीक है ये वाइल आमीन में भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सॉरी विराल अमीन में भी, क्या बोल रहा हूँ, विजय सिंह को हम लोग कवर तो करेंगे नहीं, ऑब्वियस बात है, मयंक खंडवाल अवेलेबल है टीम से, 4 मैचेस से 5 विकेट्स लिया है, तो आप चाहो तो मयंक खंडवाल को पिक कर लो या फिर एल पेशेंस को पिक कर लो, पिच बैलेंस है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, मयंक खंडवाल ये रहा 6 विकेट का प्लेयर है, अच्छा है अवेलेबल है टीम से, स्टार्ट अच्छा है, 4 मैचेस में 5 विकेट ले रखा है सर, एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे साइड से, तो पास है आप चाहो तो पिक कर सकते, लोग पी पटेल के साथ जा रही है, दिक्कत नहीं, ये सरिया एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो कि टीम तो से, अभय सरिया जो कि 40 4 मैच ही खेला है, 7 विकेट ले रखा है, ठीक है मैं इनको ही कवर कर रहा हूँ, लेकिन देख लेना 4 मैचेस खेले 7 विकेट लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कवर करना परफेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मिडल और बल्लेबाजी भी मुझे चाहिए, तो मैं अभी के लिए सरिया को कवर कर रहा हूँ, आप भी अभी इनको ही पिक कर सकते हो, ओवरऑल टीम बन चुकी है, वैसे मेरा मन था एल पर्सोन्स को पिक करने के लिए, बट ठीक है ये बंदा आपको बॉलिंग बैकअप आपको दे रहा ज़्यादा, स्टार्ट अच्छा है, 4 मैचेस अगर 7 विकेट लिया तो पर मैच आप 1 से 2 विकेट की होप कर सकते हो, तो ठीक है ओवरऑल टीम, आफ्टर टॉस में चेंजेस कर लूंगा, कैप्टन से ना बात करें तो मैं एज ए कैप्टन प्रेफर करूंगा, तो पीटर कोने लोग अच्छा बात है जा रहे हैं, टीरो भी अच्छे सीबीसी ने, नो डाउट स्मॉल टीम अच्छा है, बट आप देखो तो हरदीप सिंह का स्टार्ट आग लगा देने वाले टीम स्टार्ट का, बंदे ने 3 3 मैचेस खेले ना, 120 का एवरेज है, 240 रन स्कोर कर रखा है, तो सही है टीम का सहज है कैप्टन, ये गली टीम आप कैप्टन कर सकते हो, वसीम जाफर को भी कर सकते हो, जे मार्शल को भी कर सकते हो, ये 3 प्लेयर्स तो हमेशा आप लोग कवर करते ही हो, और उसके अलावा इकबाल खान भी जबरदस्त ऑप्शन है, तो ये जो 4 प्लेयर्स है ना ऊपर के, इन सबको सीबी से रोटेट कर गली टीम क्रिएट कीजिएगा, बोलते ना गली की प्रोडिक्शन, वो बोल रहा हूँ इन सबको रोटेट करना अच्छा ऑप्शन है, इधर से आप अभय सरियार को रोटेट कीजिएगा, प्रवीण तांबे एक जबरदस्त स्पिनर है टीम से, क्वालिटी स्पिनर है और नो डाउट काफी जबरदस्त ऑप्शन है, तो प्रवीण तांबे को क्रेलिटी में कैप्टन करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई सही विकेट टेकी नेचर का प्लेयर है, एज ए कैप्टन में फिलहाल के सेफर साइड पीटर कोनेल के साथ जा रहा हूँ, और टीरियो के साथ वाइस कैप्टन में सेफर साइड लिए बस, क्योंकि फर्स्ट मैच है ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं, अभी हमें विनिंग से मतलब है, बाकी ग्रैली खेलो तो जेम्स मार्शल एक जबरदस्त ऑप्शन मुझे लग रहे थे सीबीसी के, बहुत से मैचेस हमने कवर भी किया अच्छे प्लेयर है, अभी सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो, बस सेम टीम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मैं वेबसाइट पर भी पोस्ट कर दूंगा, टेंशन मत लो, बस यार सब्सक्राइब करके रख लेना मेरे भाई, अचानक अभी डाउनफॉल चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, बस आप लोग सब्सक्राइब करोगे खत्म हो जाएगा, और ऐसे मैचेस कोई नहीं कवर करता, बट हम लोग कवर करते, 40 ओवर का मैच है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखने में, सेम टीम कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ, और एक एक स्टार्ट दिया उसको ध्यान से देखना, बहुत लंबी वीडियो बन गई, बाकी मिलता हूँ टेलीग्राम पर अपडेट में, स्क्रीनशॉट रहेगा कॉन्टेस्ट बुक कर दो, और टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो।